दोस्तों नमस्कार। आज 3 मई 2022, आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे लगभग 17 लाख टन गेहूं का स्टॉक बंदरगाहों पर पड़ा हुआ है और बारिश के आने पर नुकसान होने की संभावना बन रही है। जानिए पूरी रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 3 मई 2022 दोस्तों, आज के एपिसोड में हम चर्चा कर रहे हैं गेहूं यानी वीट के ऊपर। बहुचर्चित खाद्यान्न वीट के ऊपर काफ़ी हलचल मिल रही है। गौरतलब है कि भारत में गेहूं के लक्ष्य से कम उत्पादन की वजह से और विश्व में लगातार गेहूं की डिमांड बढ़ने से गेहूं के निर्यात पर सरकार ने 13 मई को रोक लगा दी है। इसकी पूर्व अनुमान विश्लेषण रिसर्च आप तक पहले हमारे पिछले एपिसोड्स के अंदर हमने आपको दी है। दोस्तों खबर लग रहा है, पता लग रहा है कि कम से कम 17 लाख टन गेहूं बंदरगाहों पर निर्यात की प्रतीक्षा कर रहा है और जैसे जैसे मानसून नज़दीक आ रहा है बारिश के कारण गेहूं को हो सकता है नुकसान। गौरतलब है पिछले महीने गेहूं के निर्यात यानी 13 मई को गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगने के बाद भारत ने आज पहले चरण में मामूली गेहूं निर्यात की अनुमति प्रदान की है और ये लगभग 4.60 लाख टन की हो सकती है। गौरतलब है कि सरकार ने वैध दस्तावेज की जांच के बाद 13 मई या उससे पहले के यदि ऑर्डर हैं और आवश्यक दस्तावेज हैं तो उसको सत्यापित करने के बाद गेहूं के निर्यात की परमिशन दे रखी है। एक यदि हम ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें कि जिन शिपमेंट को मंजूरी दी है वो मुख्य रूप से बांग्लादेश, फिलीपींस, तंजानिया और मलेशिया जैसे देशों को गेहूं के निर्यात के लिए दी गई है। प्रतिबंध के कारण भारत में गेहूं का निर्यात मई में मात्र 11.3 लाख टन रही है जो कि अप्रैल में 14.6 लाख टन था, उससे घटकर 11.3 लाख टन मई में हुआ है। ऐसा एक अंदाज लगाया जा रहा है, एक अनुमान लगाया जा रहा है। गौरतलब है कि भारत दुनिया का सबसे दूसरा बड़ा गेहूं का उत्पादक देश माना जाता है और 14 मई के निर्यात पर सामान्य प्रतिबंध लगा देने के बाद तीव्र गर्मी और लू की वजह से गेहूं के उत्पादन में कमी आई है और हमारा जो गेहूं का उत्पादन है वो हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप ही माना जा रहा है। गौरतलब है कि 11 करोड़ से अधिक उत्पादन भारत सरकार ने माना था, अनुमान लगाया था, जो घटकर 10.64 करोड़ टन की उम्मीद पे आ रहा है। लेकिन उससे आगे बढ़कर अमेरिका की जो रिपोर्ट आ रही है कृषि विभाग की, उसने इसका लक्ष्य और भी कम बताया है। अब महत्वपूर्ण ये रहेगा कि गेहूं के अंदर बेताशा तेजी इस साल दर्ज हुई जिसका पूर्व अनुमान विश्लेषण हमने आपको लगभग 3.5 महीने पहले दिया था जो कि सत्य साबित हुआ। दोस्तों गेहूं पर अब आगे जून महीने में क्या होने की संभावना है, क्या इसमें तेजी आएगी या इसमें मंदी, इसके ऊपर विस्तृत रिपोर्ट क्या तेजी या मंदी भारतीय सिस्टम ऑफ एनालिसिस या विश्लेषण पद्धति के अनुसार एवं फंडामेंटल एनालिसिस के सही प्रयासों से ये रिपोर्ट आप तक प्रस्तुत की जाएगी। दोस्तों नंबर स्क्रीन पर है, उन नंबर्स के ऊपर आप पहले उन नंबर को सेव कीजिए, उसके बाद हमें व्हाट्सएप पर मैसेज भेजिए वीट रिपोर्ट, ये मामूली शुल्क अदा करने पर आपको भेजी जा सकेगी। दोस्तों याद रखिएगा, चाहे गेहूँ हो, चाहे सोयाबीन, सरसों या फिर मसाला, धनिया, जीरा या फिर कपास, इस पर हमारा पूर्व आकलन विश्लेषण सही साबित हुआ था और आप लोगों ने इसको बहुत सराहा था। दोस्तों बिल्कुल देर मत कीजिए, यदि आप गेहूं के व्यापारी, स्टॉकिस्ट या इंपोर्टर या एक्सपोर्टर हैं तो आपके लिए ये महत्वपूर्ण रिपोर्ट साबित हो सकती है। आज ही संपर्क करें पेड रिपोर्ट के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।